सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद सीजेएम कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दोनों नैनी जेल में बंद रहेंगे। पुलिस ने दोनों का 14 दिन की रिमांड मांगी, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। उधर कोर्ट से बाहर निकलते ही वकीलों ने अतीक पर जूता फेंक कर मारा। पेशी के दौरान जब अतीक को असद के एनकाउंटर की खबर मिली तो कोर्ट में ही फूट फूट कर वह रोने लगा। अतीक वही जमीन पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने पीने के लिए पानी मांगा। वहीं कोर्ट परिसर में अतीक अहमद मुर्दाबाद, उमेश पाल अमर रहे के नारे लगे। साथ ही योगी मोदी जिंदाबाद के भी नारे लगाए गए। वकीलों के गुस्से को देखते हुए अतीक और अशरफ को आरएएफ की सुरक्षा के बीच सुरक्षित निकाला गया। पुलिस दोनों को एक ही प्रिजन वैन में बैठाकर नैनी सेंटर जेल ले गई। पेशी से पहले भी वकीलों ने कोर्ट परिसर में अतीक अहमद के खिलाफ नारेबाजी की थी। वीडियो बना रहे कुछ लोगों के पुलिस ने मोबाइल जब्त कर लिए। कोर्ट कैंपस में वकीलों की कुछ मीडिया कर्मियों से भी झड़प हुई है। हालांकि पुलिस ने परिसर के अंदर से मीडिया कर्मियों को बाहर करके मामला शांत करा दिया है। प्रयागराज में 24 फरवरी को उमेश पाल की दिन दहाड़े घर के बाहर गोली बम मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उमेश की पत्नी जया पाल ने अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, अतीक की पत्नी साहिस्ता परवीन समेत 9 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया था। वहीं पुलिस ने विवेचना के दौरान हत्या की साजिश रचने में कई लोगों के नाम जोड़े। खबरी चौखट की रिपोर्ट।